नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आरडी टॉक्स पर स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी दमदार अदाकारी से लोगों को एंटरटेन करने वाले बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अब लाइमलाइट से दूर रहते हैं। बीते कुछ सालों में गोविंदा और बॉलीवुड के बीच तनातनी देखने को मिली थी। हर किसी को लगता था कि आखिर गोविंदा लोगों के खिलाफ इतना जहर क्यों उगलने लगे हैं। चलिए जानते हैं आखिर गोविंदा के दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती क्यों चली जा रही है, साथ ही जानेंगे कि किन किन लोगों के साथ उनकी लड़ाई हुई है। दोस्तों, पहले नंबर पर डेविड धवन का नाम लिया जाता है। डेविड धवन और गोविंदा की गिनती बॉलीवुड की बेस्ट एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी मानी जाती है। जब डेविड ने गोविंदा का चश्मे बहादुर के रीमेक बनाने का आइडिया चुराकर फिल्म में ऋषि कपूर को साइन किया था, तभी से दोनों के बीच दूरियां आई थी। इसके बाद समय समय पर गोविंदा डेविड धवन पर अपनी भड़ास निकालते आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर करण जौहर का नाम लिया जाता है। करण जौहर को लेकर गोविंदा ने कहा था कि वो दिखता है कि वो काफ़ी नेक इंसान है, लेकिन वो मुझे डेविड से ज़्यादा खतरनाक और चेलस लगता है। वहीं तीसरे नंबर पर कृष्णा अभिषेक का नाम आता है। भांजे कृष्णा अभिषेक के साथ गोविंदा के मनमुटाव की खबरें तो सामने आती ही रहती है। दोनों हमेशा एक दूसरे को लेकर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। एक ओर कृष्णा बात संभालने की कोशिश करते हैं तो दूसरी ओर गोविंदा उन्हें भाव ही नहीं देते। दोनों के बीच मनमुटाव की असली वजह आज तक किसी को भी नहीं समझ आई है। वहीं चौथे नंबर पर शाहरुख खान का नाम लिया जाता है। सालों पहले शाहरुख खान ने खुलेआम कहा था कि जैसी एक्टिंग वो करते हैं गोविंदा कभी नहीं कर पाएंगे। ये बात गोविंदा को काफ़ी चुभी थी। गोविंदा ने काफ़ी समय तक शाहरुख से बात भी नहीं की थी। ये बात गोविंदा की माँ को भी काफ़ी खराब लगी थी। खैर, जब इस बात की भनक किंग खान को हुई तो उन्होंने गोविंदा के पास जाकर उनसे माफ़ी भी मांगी थी। वहीं दोस्तों, पांचवें नंबर पर अमरीश पुरी का नाम लिया जाता है। एक फिल्म की शूटिंग पर कई घंटे लेट आने के बाद गोविंदा और अमरीश पुरी में काफ़ी बहस हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान अमरीश पुरी ने गोविंदा को हिदायत दी थी कि वो समय पर आया करें। गोविंदा एक साथ कई फिल्में शूट कर रहे थे और इस वजह से वो लेट हुए थे। खैर, बात बढ़ी और अमरीश पुरी ने गोविंदा को नाली का कीड़ा कहा। ख़त्म होने की बजाय बढ़ती ही चली गई और अमरीश पुरी ने गुस्से में आकर गोविंदा को ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया था। वहीं दोस्तों, छठे नंबर पर सलमान खान की बात करें तो गोविंदा और सलमान खान की दोस्ती तो ऐसी टूटी कि उसे कोई भी नहीं जोड़ पाया। सलमान खान ने अपनी ओर से गोविंदा के साथ पेचअप करने की कोशिश भी की, लेकिन प्लान चौपट रहा। सातवें नंबर पर संजय दत्त का भी नाम लिया जाता है। संजय दत्त और गोविंदा ने साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी है, लेकिन विवादित टेप के सामने आने के बाद उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। सालों पहले अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील और संजय दत्त के एक ऑडियो टेप के लीक होने की खबर सामने आई थी। इस ऑडियो टेप में कुछ ऐसी बातें सुनी गई जिसके बाद से गोविंदा और संजय दत्त की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए ही टूट गई। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए और बॉलीवुड से रिलेटेड बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।